कोविड-19 के कल हमें 11 रिजल्ट्स मिले हैं। ये सारे जो सैंपल्स थे वो ले के थे और सारे नेगेटिव हैं। जैसे कि आपको जानकारी है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के जो एडवाइजरी आया था उसमें साफ लिखा है कि कोई भी ऐसा जो पैसेंजर है जो कि विदेश से आया है और गवर्नमेंट कैंपस में प्रेमिसेस में क्वारंटाइन उनको रखा गया है, तो क्वारंटाइन पीरियड पूरा होने के बाद और उनका नेगेटिव रिजल्ट आने के बाद उनको अपने घर जाने का परमिशन दिया जाएगा। उसी सीरीज़ में लगभग 60 हमारे जो तीर्थयात्री थे जो कि ईरान गए थे, वो लोग आज जो है कारगिल पहुँचे। इसमें सारे जो तीर्थयात्री हैं वो कारगिल के हैं और उनको हम लोगों ने इमीडिएटली इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा है। अभी हम लोग उनको घर जाने नहीं दे रहे हैं, उन्हीं की सेफ्टी के लिए और वहाँ के पॉपुलेशन की सेफ्टी के लिए भी। और कुछ दिन के क्वारंटाइन के बाद जब हम लोगों को ये पूरी तसल्ली हो जाएगी कि ये लोग बिल्कुल जो है स्वस्थ है, तो हम उनको घर जाने देंगे। उसी सीरीज़ में हमारे जैसलमेर में करीब 170 लोग हैं, जिसमें कि लेह के भी हमारे बहुत सारे तीर्थयात्री हैं, तो उनका भी कल यहाँ लद्दाख लेह में आने की संभावना है। तो उनको भी आते हुए हम लोग इमीडिएटली होम क्वारंटाइन करेंगे और जब उनका पीरियड पूरा हो जाएगा उसके बाद उनको घर जाने देंगे हम लोग। कुछ पॉलिसी है जी? अभी तो आपको पता है जैसे कि गृह मंत्रालय का एडवाइजरी है, उसमें हम लोगों ने जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन थे गवर्नमेंट के प्रेमिसेस में, उन्हीं को हम लोग जो है वापस ला रहे हैं। बट अभी दो दिन पहले ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर जो ले के हैं वो ऑनरेबल LG साहब से मिले थे, तो उन्होंने एक अपना प्रपोजल रखा था, उसको हम लोग भारत सरकार में गृह मंत्रालय में हम लोगों ने भेज दिया है और वहाँ से अगर कोई रिलैक्सेशन होता है तो उन बाकी लोगों को भी हम लोग कंसिडर करेंगे जैसे कि रूल होगा वैसे।